Assalamu alaikum everyone, and you see this setup, little setup, thanks to one of my friend who gave me this martial arts belt. Puri professional belt to nahi hai, but naram belt hai, choti hai, but you know, kaam chalne ke liye bahut behtareen hai. Kuch variations dikhaunga main pronation ki, aur सारी वेरिएशंस जो बेल्ट की एक्सरसाइजेज आर्म रेसलिंग में होती हैं वो आपको शो करूँगा. उसके डिफरेंट डिफरेंट कौन सी वेरिएशन का किस एंगल पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है वो बताऊँगा. सो लेट्स गेट टू द पाकिस्तानी वे सेटअप. तो केन है, इसमें से थोड़ा सा पानी मैंने निकाला हुआ है. केन, ये अगर मैं फुल पानी रखता तो 12 केजी का था, मैंने इसको 10 केजी का रखा हुआ है. कैलकुलेटेड तो नहीं है, बट थोड़ा सा पानी मैंने अपने हिसाब से निकाल लिया, तो हम 9-10 के जी इसको लगा सकते हैं. बिकॉज मैं रेपिटेशन हाई करता हूँ समटाइम्स, इस वजह से. तो सिंपल वेरिएशन आपको पता ही है, ये थंब के अराउंड अगर आप बेल्ट को लें और फिर इसको ये मूवमेंट, इस मूवमेंट के साथ उठाएं, तो ये आपकी प्रोनेशन लिफ्ट है. अच्छा, इसमें अब देखें एंगल क्या है, आपका थंब के अराउंड है. तो अगर आप बिल्कुल ढीला छोड़ें तो देखें आपका थंब जो है नीचे है, यानी आपका जो ये आर्म है ये इस तरह फोर्स नहीं लग रही बल्कि इस तरह लग रही है. अब आप इसको जो है अपोज कर रहे हैं, यानी ये वाली जो आपकी सुपिनेटेड डायरेक्शन है, मैच अगर आपका लेट सपोज ऐसी पोजिशन में फंसता है कि आपका हाथ इस तरह हो टेबल पर, तो इस पोजिशन से इस पोजिशन पर प्रोनेटेड पोजिशन में लाने के लिए ये एक्सरसाइज है. और इसको लोग काफ़ी हैमर की वेरिएशन भी कहते हैं कि ये हैमर है, बट ये हैमर नहीं है, ये प्रोनेशन है. आप इस वेरिएशन से इस वेरिएशन में ला रहे हैं और आपका ये जो प्रोनेटर मसल है, जो मेरा छोटा सा आपको हो सकता है नज़र आ रहा हो, यहाँ पे आपके जो है सारा जोर आता है. तो ये सबसे बेसिक डेविल लैरेट और बाकी बहुत सारे आर्म रेसलर अपनी प्रोनेशन लिफ्ट को इसी तरह ट्रेन करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ये जो है इस डायरेक्शन में लग रही है और आप इस डायरेक्शन को अपोज कर रहे हैं. थंब वाली प्रोनेशन में जो है आपकी रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होती है, बिकॉज आप का जो पट्टा है वो जो है बेल्ट यहाँ पे भी आ रही होती है, तो ये जो हिस्सा है आपका रिस्ट का, इस ये भी जो है ट्रेन हो रहा होता है. प्रोनेशन की दूसरी लिफ्ट जो है वो सिंपल सा जो है सिंपल बेल्ट को लेके आपने जस्ट इस तरह पकड़ना है और ये वाली जो है मूवमेंट है, ठीक है, ये भी प्रोनेशन ही मूवमेंट है. आपका आर्म इस तरह से इस तरह इस पोजीशन में जा रहा है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये आपके रिस्ट पे नहीं आ रही. आप देख लें ग्रिप आपकी किस तरह होती है, रिस्ट पे आपके कोई भी जोर नहीं आ रहा, रिस्ट फ्री है. आपका जो है आर्म यूज़ हो रहा है नकल्स के ऊपर वाली साइड, आपका थंब यूज़ हो रहा है, लेकिन रिस्ट इसमें यूज़ नहीं हो रही, बाकी ओवरऑल चीज़ें वही हैं. अच्छा, थर्डली प्रोनेशन की जो लिफ्ट है वो माइकल टॉड को अगर आप देखें तो माइकल टॉड जो है इस तरह की प्रोनेशन करता है. वो सिंपल क्या है कि एक दफ़ा इस तरह आपने थंब के अराउंड ली अपनी बेल्ट, उसके बाद दोबारा से जो है आपने पूरा समझ लें, दोबारा से जो है सेम आपने वो ले ली, दोबारा से जो है उसको अपने हैंड के अराउंड जो है घुमाया, ठीक है. तो ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ. ये आपका थंब के अराउंड है, थंब के अराउंड लेके फिर आपने दोबारा से ग्रुप घुमाया. ये वाली लिफ्ट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है प्रोनेशन, अपनी सुपिनेटेड पोजीशन से जो है प्रोनेशन में लाने के लिए. ये भी सिंपल सी लिफ्ट है, इसको थंब के अराउंड घुमाएंगे, देख रहे हैं आप मेरा हाथ पूरा इस तरह गया हुआ है, सुपिनेट हुआ हुआ है फुल. इसको मैं जब यूँ अपोज करूँगा तो ये आपका रिस्ट पर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्ट पर काम आ रहा है. और आपको मैं छोटी सी दिखा देता हूँ, हाथ बहुत ज़्यादा इसमें सुपिनेट हो रहा है, आपके जो ये वाले जो एरिया है इस मसल पे बहुत काम हो रहा है, और रिस्ट के साथ साथ फिर थंब क्योंकि मूव हो रहा है तो थंब पैड जो है उस पर भी इम्पैक्ट आपका आ रहा है. तो ये बेसिक तीन प्रोनेशन लिफ्ट हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ. उसके अलावा प्रोनेशन से हट के अब मैं आपको हैमर क्लियर कर देता हूँ कि हैमर क्या होता है. हैमर की आप मूवमेंट देखते हैं, नॉर्मल अगर हम हथौड़ा इस्तेमाल करें तो उसकी मूवमेंट जो है ये होती है, हमारी इस तरह होती है, आपका जो है आर्म इस एंगल में मूव होता है, ना इस तरह होता है ना इस तरह होता है, बल्कि
आपका जो नकल है वो सामने फेस कर रहा होता है और आपकी फिंगर्स आपकी तरफ आ रही होती हैं, ठीक है। इसमें जो है सिंपल सा हैमर, अगर मैं बात करूँ तो हैमर की जो है वेरिएशन सिंपल सी ये होगी, ठीक है। लोग बहुत ये वाली लिफ्ट को डेविल लैरेट लिफ्ट कह रहे होते हैं, जबकि डेविल लैरेट लिफ्ट नहीं है। डेविल लैरेट की लिफ्ट वही है जो आपने मेरी देखी होगी वीडियोज़ में, प्रोनेशन लिफ्ट और राइजिंग लिफ्ट जो आपको दिखाता हूँ मैं, ये सिंपल हैमर है, ठीक है। अब ये जब आप इस तरह उठाएंगे ना, तो आपका हाथ ना तो जो है इस तरह आपको फोर्स अपोज कर रही है, ना जो है इस तरह अपोज कर रही है। आपकी फोर्स सिर्फ जो है ये वाली मूवमेंट पे काम कर रही है, जिस तरह आप नॉर्मल हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये मूवमेंट होती है। तो इसी तरह ये जो है आपकी हैमर मूवमेंट है, और इसमें राइजर इन्वॉल्व है आपका। और उसके अलावा जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन करते हैं तो आपका ब्रैकियलिस मसल है, ब्रैकियलिस मसल इन्वॉल्व होता है। और हैमर की जो समझ लें वो है इसमें वेरिएशन, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी बाकी प्रोनेशन वगैरह की इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है हैमर जो है हैमर की लिफ्ट है, हैमर वेरिएशन है। उसके बाद एक मेन इम्पॉर्टेंट लिफ्ट, वो सिर्फ राइजिंग लिफ्ट है जो कि डेविन लैरेट की है। वो उसका भी तरीका आपने मेरा पहले देखा हुआ होगा कि किस तरह जो है ये पहले हाथ के अराउंड इस तरह बेल्ट आती है, उसके बाद जो है यूं घुमा के बेल्ट को नकल्स पे जो है लाया जाता है। इसमें नकल्स पे बेल्ट आती है एक वेरिएशन, वो है एक वेरिएशन है कि आपका जो है फिंगर्स पे बेल्ट आती है, और एक वेरिएशन है आपके आर्म पे जो है बेल्ट आती है। तो मैं अगर आपको सामने से दिखाऊं तो ये देखें, ये अभी मेरी आई हुई है नकल्स पे बेल्ट, ये एक वेरिएशन है राइजिंग की, एक ये है, ये अभी आई हुई है फिंगर्स पे, देख लें आप मेरे नकल जो है खुले हैं, और एक है जो आर्म पे आएगी, इसमें भी देखें नकल्स और फिंगर्स खुले हैं, लेकिन जो है आर्म पे आपके जो है अपर आर्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे बेल्ट आ रही है। तो ये तीन राइजिंग की वेरिएशंस हैं, और ये तीनों बहुत इफ़ेक्टिव है। डेविन लैरेट स्पेशली इसको नकल्स पे रख के करता है, बिकॉज जब आप ये खुद लिफ्ट ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी फोर्स जो है कितना आपके हाथ को इस तरह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने जो है इसको इस तरह रखना है। तो ये जो है सिंपल इतने हिस्से पे काम होता है राइजर लिफ्ट का। ये जितनी लिफ्ट्स हैं इसकी वेरिएशंस जो है, इसकी एक्सरसाइजेस जो है वो सिर्फ पार्शियल होती हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन से नहीं होती। अगर मैं प्रोनेशन की अराउंड द थम वाली लिफ्ट की बात करूं, तो ये मेरा 90 डिग्री पे आर्म है, 90 डिग्री से मैं ऊपर निकल जाऊँगा, पूरा हाथ नीचे नहीं खोल रहा मैं, 90 डिग्री पे अभी है और इसको फुल ऊपर निकल जा रहा हूँ, ठीक है। सेम हर लिफ्ट के साथ है, आर्म रेस्लिंग की मेजॉरिटी ऑफ एक्सरसाइजेस 90 या फिर थोड़ा सा और नीचे ला के आप उसको फुल ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन नीचे स्ट्रेचिंग वाले पार्ट पे आप पूरा नीचे नहीं लेके जाते, क्योंकि हम मसल बिल्ड नहीं कर रहे, हम स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ वेरिएशंस थी, आपको उम्मीदें समझ आ गई होंगी सिंपली, और मुख्तलिफ लर्निंग वीडियोज़ आप जो है और चैनल पर देखते रहेंगे। जज़ाकल्ला, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।